नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री में एलिमेंट डिटेक्शन के पार्ट 4 डिटेक्शन ऑफ ब्रोमीन पर आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ऑब्जेक्ट टू डिटेक्ट दी ब्रोमीन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात कार्बनिक यौगिक में ब्रोमीन की पहचान कीजिए। एपरेटस यूज्ड इग्निशन ट्यूब टेस्ट ट्यूब स्टैंड वॉश बॉटल फनल फिल्टर पेपर एटसेट्रा। रिएजेंट्स सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाइल्यूट HNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन FeCl3 डाइल्यूट HCl सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन एटसेट्रा। प्रिंसिपल Elements present in organic compounds are usually detected by Lesegna test that was developed by the French chemist Lesegna. Organic compounds do not ionize, therefore it is fused with sodium metal. After fusion, sodium salt of organic compounds are formed. These are soluble in water and can be ionized. From the ions, we can detect the element present in compound. यानी कार्बनिक क्योंकि आयनीकृत नहीं होते हैं इसलिए उनको सोडियम मेटल के साथ में फ्यूज किया जाता है और जो साल्ट बनता है वो आयनीकृत हो जाता है। आयन की सहायता से हम उस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित एलिमेंट यानी तत्व का परीक्षण कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन इग्निशन ट्यूब एंड एड स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इन इट। एक इग्निशन ट्यूब में थोड़ी सी मात्रा में कार्बनिक यौगिक लेंगे और उसमें सोडियम का एक पीस यानी सोडियम का एक टुकड़ा जो है डालेंगे। नाउ इग्निशन ट्यूब इज हीटेड टिल इट बिकम रेड हॉट एंड इज पोर्ड इन डिस्टिल वाटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इग्निशन ट्यूब को लाल गर्म करेंगे, लाल तप्त अवस्था तक गर्म करेंगे और उसके बाद एक परख नली में जिसमें जल भरा होगा उसमें इसको छोड़ देंगे। जैसे इग्निशन ट्यूब को छोड़ेंगे इग्निशन ट्यूब ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद जो सॉल्यूशन रहेगा उसको आप बॉइल करेंगे। आफ्टर बॉइलिंग द फिल्टर वी गेट सोडियम एक्सट्रेट और उसको छानेंगे। छानने के बाद जो है जो बनेगा वो सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडियम निष्कर्ष होगा। अब देखिए एक तरीका आपके सामने और यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि नेगेटिव टेस्ट को भी मेंशन करके आपको प्रैक्टिकल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ किया टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट जो आपने बनाया वो लिया उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स FeCl3 ऐड करेंगे और डाइल्यूट HCl डालेंगे। इफ नो एनी कलर इज ऑब्टेंड इट मींस नाइट्रोजन एब्सेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन यदि प्रेजेंट होता तो यहाँ पे ब्लू कलर आता तो ये नेगेटिव टेस्ट हो गई कि नाइट्रोजन हमने एब्सेंट बताया। सेकंड ए टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 1 ml सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन, नो एनी कलर इज ऑब्टेंड इट मींस सल्फर एब्सेंट। तो यहाँ पे दोनों एब्सेंट है, भी नाइट्रोजन भी एब्सेंट है सल्फर भी एब्सेंट है तो ये हम गेस कर सकते हैं कि अब हेलोजन प्रेजेंट होगा। तो अब हेलोजन की टेस्ट लगाएंगे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट इन ए टेस्ट ट्यूब 1 ml डाइल्यूट HNO3 प्लस 2 ड्रॉप्स AgNO3 सॉल्यूशन। इफ लाइट येलो PPT इज ऑब्टेंड ब्रोमीन मे बी प्रेजेंट। तो ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव टेस्ट हुई कि ब्रोमीन लाइट येलो PPT आए ब्रोमीन मे बी प्रेजेंट। येलो PPT को डिजॉल्व करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, PPT आर स्पेरेंसली सॉल्यूबल, ब्रोमीन कंफर्म। तो ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है। अब देखिए एक एनिमेशन से आप प्रैक्टिकल को देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इग्निशन ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। इग्निशन ट्यूब को रेड हॉट गर्म करेंगे, टेस्ट ट्यूब में वाटर लेंगे और इस इग्निशन ट्यूब को यहाँ पे गिराएंगे। जैसे ये ब्रेक हो जाएगी तो हमको फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको बोलेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसमें हम सोडियम नाइट्रेट की ड्रॉप्स डालेंगे। देखिए ड्रॉप डालने पर यदि येलो लाइट येलो PPT आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो ये जो है आप डायग्राम बना सकते हैं।
कौन कौन सी रिएक्शन होगी देखिए सेलिनेटेड टेस्ट में, आर्गेनिक कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम, सोडियम ब्रोमाइड इज फॉर्म, सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट देन सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑब्टेंड। तो ये यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड के येलो पीपीटी आ रहे हैं जो प्रूव कर रहे हैं कि ब्रोमीन प्रेजेंट है। रिजल्ट, ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन एन आर्गेनिक कंपाउंड। प्रिकॉशंस कौन कौन से लेंगे, फर्स्ट एड, टेक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम फॉर फ्यूजन, इग्निशन ट्यूब मस्ट बी हीटेड अप टू रेड हॉट, केयरफुली हीट द इग्निशन टेस्ट ट्यूब बाइल द सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर यूज इट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट टेकन फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, थैंक्स। तो ये था ब्रोमीन को डिटेक्ट करने का तरीका, और आपने ये देखा कि ये एक सिस्टमेटिक वे था कि किस प्रकार से हम लिखना चाहिए कॉपी में, जिसमें हमने नेगेटिव टेस्ट को भी बताया कि ये नाइट्रोजन और सल्फर एब्सेंट है, फिर हमने हेलोजन का टेस्ट किया। तो ये आपका एक बेहतर तरीका हो सकता है लिखने का। थैंक यू।